दोस्तों दिल्ली देश की राजधानी होते हुए भी, दिल्ली देश की सेंट्रल होते हुए भी सबसे ज़्यादा बेटियों पर दुष्कर्म, सबसे ज़्यादा हत्या, सबसे ज़्यादा अत्याचार, सबसे ज़्यादा दंगे, सबसे ज़्यादा फसाद, सबसे ज़्यादा गोलीबारी, सबसे ज़्यादा लूट खसूट इसी दिल्ली में होती है। दोस्तों सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, लेकिन गूंगी है, बहरी है दिल्ली। दोस्तों आज पूरे देश को पता है कि राबिया सैफी दिल्ली की दरिंदगी के शिकार होकर 22 दिन गए हैं, लेकिन दिल्ली की शासन, दिल्ली की प्रशासन, दिल्ली की मुख्यमंत्री, किसी ने भी आज तक राबिया सैफी के इंसाफ के लिए एक आवाज तक नहीं उठाई है। कौन सी कोने में छुपकर बैठा हुआ है दिल्ली की वो नेता जो कहते थे कि दिल्ली की बेटियों पर दुष्कर्म हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, दिल्ली की बेटियों पर हो रहे अत्याचार को हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, कौन सी बिल में छुपा हुआ है वो अभी तक क्यों नहीं निकल रहा है? दोस्तों अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जो सोशल मीडिया पर बहुत ही धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं, लेकिन आज राबिया सैफी के इंसाफ के लिए जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे तो करना। अरे आप दिल्ली के सीएम को छोड़िए, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का सीएम हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, कोई भी दलाल मीडिया के एंकर हो, कोई भी प्रवक्ता हो, दोस्तों दिल्ली की इस बेटी के इंसाफ के लिए किसी ने भी आज तक अपने दिल की गहराइयों से नहीं सोचा है, एक आवाज तक बुलंद नहीं की है, एक ट्वीट भी नहीं किया है कि राबिया सैफी को इंसाफ मिलनी चाहिए। और बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। तालिबान की औरतों पर दिन रात मातम मनाने वाले, दिन रात रोने वाले, गिड़गिड़ाने वाले वो मीडिया एंकर, वो मीडिया चैनल, वो मीडिया पत्रकार, वो मीडिया न्यूज चैनल अभी कहां है दोस्तों? अभी तक उसको हमारी देश की बेटी पर अत्याचार नजर क्यों नहीं आ रहा है? तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो इसे दबाने का, इस मुद्दे को भटकाने का, लेकिन हम दबने नहीं देंगे, हम इस मुद्दे को भटकने नहीं देंगे, बार बार राबिया सैफी के इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे, गुहार लगाएंगे, जो भी करना पड़ेगा सब करेंगे, लेकिन इंसाफ जरूर दिलाएंगे। दोस्तों अभी तक अपने आप को राबिया सैफी के गुनहगार मानने वाला निजामुद्दीन पर सवालों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों दिन ब दिन निजामुद्दीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कौन सी मजबूरी है जो निजामुद्दीन छुपाने की कोशिश कर रहा है, आखिर वो कौन सा राज है जो दबाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों आखिर क्या बात है, आखिर किस वजह से निजामुद्दीन अपने आप को कातिल मानने पर आमादा हो रहा है, अपने आप को गुनहगार साबित करने की बड़ी शिद्दत से कोशिश कर रहा है। दोस्तों इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, अगर वाकई में निजामुद्दीन ही राबिया का गुनहगार है, निजामुद्दीन ने ही राबिया को इस दुनिया से रुखसत किया है, तो दोस्तों दिल्ली पुलिस इस बात का खुलासा क्यों नहीं कर रहा है? दिल्ली पुलिस और दिल्ली शासन, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बात को क्लियर क्यों नहीं कर रहा है? किस चीज का दबाव है इन लोगों पर कि राबिया सैफी का नाम अपनी जुबान पर लाना नहीं चाहता है? दोस्तों आज भी पूरे देश में राबिया सैफी के इंसाफ के लिए जगह जगह पर एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों सरकार को किसी बात का चिंता नहीं है। दोस्तों हमारे देश की महिला नेता, महिला मंत्री स्मृति ईरानी, जो दोस्तों केरल के हथनी पर दिन रात रो रो कर अपने आप को बुरा हाल करने वाली, दोस्तों दिल्ली की बेटी राबिया सैफी के इंसाफ के लिए, राबिया सैफी के लिए एक कतरा भी उनकी आंखों से नहीं निकल रही है। ये है दोस्तों इंसाफ। दोस्तों कहते हैं कि एक औरत ही औरत का दर्द समझता है, लेकिन दोस्तों ये कौन सी दुनिया की औरत है जो राबिया सैफी के दर्द को अभी तक महसूस नहीं कर पा रही है? ये कैसे लोग हैं दोस्तों और कहां से आए? तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके भी मन में कुछ विचार जरूर चल रहे होंगे, दोस्तों उस विचार को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह का और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे।